Hello everyone, good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of An Academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. Hello ji, hello, kaise ho sab log? All well? Okay guys, so this session happens regularly from Monday to Saturday 10:30 to 11:15, and aaj Friday ka din hai, 4th of February, and I'm back again with the newspaper analysis session for you guys. Delhi edition maine liya aaj, and dekhte hai kya kya important news hai aaj ke the Hindu newspaper mein. Let us begin the analysis. So ye jo analysis session hai, सारी लॉ एंट्रेंस एग्जाम वालों को बहुत हेल्प करे वैसा है. इफ़ यू गाइज आर गिविंग क्लैट, एलिट, एलसेट, स्लैट, एमएचसीटी, ड्यूएल एलबी, ब्लैट, कोई भी लॉ एंट्रेंस दे रहे हो, आपको बहुत काम लगेगा ये सेशन. इसके अलावा इफ़ यू गाइज आर गिविंग एनी अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी बैंकिंग एग्ज़ाम्स, और आपको अगर करंट अफेयर्स अपडेट करना है तो भी ये सेशन काम लगेगा. ओके, सो फॉर ऑल ऑफ देम, सभी लोग करंट अफेयर्स अपडेट करने के लिए तो दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन, बहुत अच्छा सा हेल्प मिलेगा रेगुलरली. बट जो लॉ एंट्रेंस वाले हैं उनको इंग्लिश सेक्शन और लीगल रीजनिंग सेक्शन में भी यहाँ से हेल्प होगा. तो इंग्लिश, लीगल और जीके, ये तीनों प्रिपेयर करने के लिए यू गाइज मस्ट अटेंड दिस सेशन एवरी डे रेगुलरली. रेगुलरली अपडेट करते रहना आपके करंट अफेयर्स वगैरह, इट्स रियली वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप रेगुलरली इसे अपडेट नहीं करोगे तो एक साथ जमा करके पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू अपडेट इट वेरी रेगुलरली, एंड फॉर अपडेटिंग इट वेरी रेगुलरली यू नीड टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको रोज़ नोटिफिकेशन आ जाए, एंड रोज़ आप ये सेशन अटेंड करना ना भूलो, मिस ना कर लो. ठीक है, तो ये जल्दी से सब्सक्राइब करने का काम कर दीजिए. इसके अलावा मुझे आपसे एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए गाइस. आई होप आप लोग दोगे, बोलो दोगे या नहीं, बोलो यस मैम. हाँ, सो या गाइस, एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दे दो. यू नीड टू शेयर अबाउट दिस क्लास एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. वहाँ आपको दिखेगा शेयर बटन, प्लीज़ क्लिक ऑन इट एंड शेयर अबाउट दिस क्लास एज मच एज पॉसिबल. आपके व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, सब जगह शेयर कर लीजिए गाइस. इट विल बी रियली हेल्पफुल. ये फ्री क्लास है बिल्कुल भी, आप खुद को भी फ़ायदा आपको मिलना चाहिए और दूसरों को भी इस फ्री क्लास के बारे में पता चलना चाहिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हम पहुँच सकें, दैट्स द मोटिव. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेरी गुड मॉर्निंग. कामाक्षी, नितिश, स्नेहा, दाक्ष, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज. श्रेयस, चारू, पूर्वा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, सो ये आई थिंक आप सब लोग शेयर कर रहे होंगे क्लास. क्लास जब तक शेयर करते हो मैं फटाफट इंट्रोडक्शन भी बता दूँ. सो गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई एम हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद आई एम एस लर्निंग रिसोर्सेज. आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद सी एस एन कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, वेर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू सी एस एन कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, एंड आई रियली लव इंटरेक्टिंग विद ऑल द लवली स्टूडेंट्स लाइक यू एंड शेयरिंग माई नॉलेज. दैट्स मी गाइज. What are we doing today? We are doing newspaper analysis today. An Academy, An Academy, ये जो बढ़िया सा platform है ये आज के तारीख में मैं बोलूँगी सबसे best वाला platform है. Trust my word guys. ये जो platform है, अगर आपने अभी तक join नहीं किया तो पहले तो ये कर लो join. An Academy learning app download कीजिए from your Play Store और App Store. दो टाइप की क्लासेस देखने को मिलेगी, फ्री वाली क्लासेस और पेड वाली क्लासेस. एक बार आप कुछ दिनों के लिए फ्री क्लासेस देखिए. फ्री क्लासेस को हमारा एकेडमी पे स्पेशल क्लासेस बोलते हैं. आपको पूरा लुक एंड फील मिल जाएगा कि कैसा से प्लेटफॉर्म है, कैसा क्या है. फ्री मॉक टेस्ट, क्विजेस भी है, फ्री क्लासेस भी हैं, सब कुछ अटेंड कीजिए.
और आप देखिए आपको कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है, फिर अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन. कौन सा टाइप का सब्सक्रिप्शन? तो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, प्लस सब्सक्रिप्शन और उससे एक अपग्रेडेड वर्जन है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. दोनों में से कुछ भी ले सकते हो. प्लस वाले एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी आइकॉनिक में शिफ्ट हो सकते हैं बाई पेइंग जस्ट फ्यू एक्स्ट्रा मनी. आपका प्लस का पैसा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है. सो दीज आर द प्राइजेस, और प्राइस हाइक हुआ है इस प्राइजेस में भी कल से 3 फेब से, ये ध्यान में रख लीजिए. जब भी आपको मेरा सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड निधि लाइव डाल देना फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट. सो एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड निधि लाइव मत भूलना डालना. और ये सब टेस्ट हो चुकी है. मेंटर सेशंस ऐसे होते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 1-on-1 मेंटर सेशंस भी लेने को मिलता है, यू कैन बुक इट. तो ये अभी एडुकेटर्स हैं जिनके मेंटर सेशंस आप बुक कर सकते हो. एंड या 2nd of February से एक बैच चालू हुआ है. ये वाला बैच भी 23 एस्पिरेंट्स के लिए चालू हुआ है, जिसमें मैं खुद एवरी वेनसडे अभी आप लोग को लीगल रीजनिंग पढ़ाऊँगी 1 साल तक. और 6 months कोर्स DLLB वालों के लिए स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जो आज से स्टार्ट हो रहा है 4th of February से, ठीक है. ये पूरे महीने की मॉक टेस्ट का प्लानिंग है. ज़रूर सारी मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए, अलग अलग टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग आई मीन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक टेस्ट रखी गई है. सभी का आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो ज़रूर दीजिए. ये आज 4th of February को वी फॉर वेंडेटा, ये हॉलीवुड मूवी के थ्रू आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे फ्री वाली क्लास में, स्पेशल क्लास मतलब फ्री वाली क्लास में. अच्छा, मैंने इधर स्पेशल क्लास एंटर नहीं की है, बट करंट अफेयर्स का क्विज करवाऊंगी मैं आप लोग को 26 to 31 January का 9:30 to 10:30 और 8 to 9:30 कल जो प्लस क्लास नहीं हो पाई वो होगी आज. लाइव क्विज फीचर एंड यू लैट एंड वीकली T20 टेस्ट, ये सब फ्री टेस्ट दीजिए. प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड बाय मेक योर सेल्फ परफेक्ट. एंड हाँ, एकेडमी यूट्यूब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करो हमारे वीडियोस पे कैसा लग रहा है. लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए. थोड़ा प्यार थोड़ा मोटिवेशन लगाइए गाइस. ओके. नहीं आर्यन, यू नॉट लेट मच. सुदीप्ति, प्राइम नियो, आर्यन, बैले, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड डे आंचल, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, सो 4th of February फ्राइडे का दिन है, दिल्ली एडिशन लिया हुआ है. क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देखते हैं. लेट्स बिगिन गाइस. इंडियन डिप्लोमेट्स आर गोइंग टू बॉयकॉट बीजिंग गेम्स. तो ओलंपिक्स ये साल विंटर ओलंपिक्स चाइना में हो रहा है, ठीक है. तो चाइना में होने वाला ये ओलंपिक्स इसलिए सुर्खियों में है, आई मीन इसलिए इतना बड़ा न्यूज़ बना रहा है, कंट्रोवर्सी बना रहा है, बिकॉज कल के ही न्यूज़ में हमने देखा था चाइना ने अपनी PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर जो इन्वॉल्व थे जून 2020 की गलवान क्लैशेस में, उनको टॉर्च बेरर बनाया है. एंड दिस इज़ अ वेरी बिग टर्न ऑफ फॉर इंडिया ऑफकोर्स. सो बिकॉज इनको ये टॉर्च बैरर बनाया है, इंडिया ने भी इसके सामने रिस्पॉन्ड किया है और बता दिया है कि इंडिया के कोई भी डिप्लोमेट्स बीजिंग गेम्स में प्रेजेंट नहीं रहेंगे विंटर ओलंपिक्स में. सिलेक्शन ऑफ PLA's गलवान सोल्जर एज अ टॉर्च बैरर स्पार्क्स रो. ओके, तो टेंशन स्पिल्स ओवर बिकॉज इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ ओलंपिक्स गेम्स सेरेमनी. इंडिया ने पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में एज अ बॉयकॉट किया है. हु आर बॉयकॉटिंग सेंडिंग स्पोर्ट्स टीम बट नो डिप्लोमेट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स दिस इवेंट. सो कौन कौन बॉयकॉट कर रहा है, मतलब अपनी स्पोर्ट्स टीम को भेज रहा है बट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे. तो इंडिया, क्योंकि उनके PLA के कमांडर जो गलवान क्लैशेस में थे 2020 के, उनको बनाया है टॉर्च बैरर. इसलिए US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बेल्जियम, द नेदरलैंड्स, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ड्यू टू ह्यूमन राइट्स कंसर्न इन जिनजियांग, टिबेट एक्सेट्रा. तो जिनजियांग और टिबेट में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से
इन सारी कंट्रीज़ ने भी बॉयकॉट किया है, मतलब अपने प्लेयर्स आएंगे बट उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं। ऑस्ट्रिया एंड स्वीडन भी नहीं है भेज रहे, बट वो लोग का पर्पज़ अलग है, ड्यू टू कोविड-19 प्रोटोकॉल्स वो लोग नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी कंट्रीज़ आर लाइक मेजरली अगेंस्ट चाइना, दे आर नॉट इन गुड टर्म्स विद चाइना। हु आर इन गुड टर्म्स विद चाइना? जस्ट टू पीपल, पुटिन एंड इमरान खान, पाकिस्तान एंड रशिया, ये दो जान, वो भी अपने सेल्फिश पर्पजेस के लिए। सो इंडिया, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, लतविया, इस्टोनिया, 10 हो गए। फिर बेल्जियम, द नेदरलैंड्स, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, 14 कंट्री को पसंद नहीं है चाइना। तो दिस इज़ द थिंग, स्टार मार्क कर रही हूँ, ये लिखना है, ये वाला पूरा चीज़ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे, स्टार मार्क कर रही हूँ, ये लिखना है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्टेज हरियाणा जॉब कोटा फॉर लोकल्स। तो हरियाणा का जो ये 75% जॉब कोटा है फॉर लोकल्स, के लोकल्स को ही जॉब मिलना चाहिए, ये 75% जॉब कोटा फॉर लोकल्स बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है अब तक। एंड ये जो चीज़ है, हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, ड्यू टू लॉट ऑफ ऑपोजिशन, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अबाउट दिस कोटा, उसको स्टे कर दिया है कि तुम अभी इसके ऊपर, स्टे ऑर्डर है, अभी कंटिन्यू नहीं हो सकता है, इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। सो इंडस्ट्री बॉडीज वेलकम ऑर्डर, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट वाउज टू इंश्योर लोकल एम्प्लॉयमेंट। सो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो बोल रहे हैं कि हम लोकल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट तो करेंगे ही करेंगे, इंश्योर करेंगे, बट इंडस्ट्रीज जो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे कंपल्शन रखोगे कि लोकल्स को ही हमें जॉब देना है तो ये तो सही बात नहीं है। तो ये बेसिकली मतलब हमारे लिए नुकसानकारक चीज़ है, क्योंकि एक स्किलफुल लोगों को हम बाहर से नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए वो लोग कोर्ट में गए थे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, अभी तो ये जो जॉब कोटा है इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। इट्स अ बिग बिग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ध्यान में रखिएगा गाइस। देन कल ही हम एडिटोरियल में पढ़ रहे थे कि कैसे गवर्नर्स और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का क्लैश चलता है। ये हुआ वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में हमने कल ही पढ़ा था कि वहाँ की गवर्नर जो है वो नीट बिल पास नहीं कर रहा है, तो उसी के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। तो नीट बिल के जो नीट वाला एग्ज़ाम तमिलनाडु ने की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया बिल कि नीट एग्ज़ाम्स इधर नहीं होंगी, हमारी अलग ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी मेडिकल की। तो ये नीट बेस्ड एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्रीज़ को निकालने के लिए, डिस्पेंस ऑफ करने के लिए जो बिल पास किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में तमिलनाडु की, फिर गवर्नर को भेजा गया फॉर कंसेंट, गवर्नर ने नहीं दिया कंसेंट, तमिलनाडु गवर्नर ने रिटर्न कर दिया नीट बिल असेंबली को। गवर्नमेंट कन्वेंस ऑल पार्टी, फिर गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीट कंडक्ट किया है ऑन इश्यू, प्रोमिसज टू पास बिल अगेन। तो ये इश्यू को डिस्कस करने के लिए उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया, एंड दे आर प्रोमिसिंग टू पास द बिल अगेन। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ध्यान में रखना है। तो ये सारी हो गए हमारी फ्रंट पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज, आगे देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एडिटोरियल पेज पे हम आ चुके हैं, आज एक एडिटोरियल हमें करना है, ये वाला जो कि इंपॉर्टेंट है। डिसजॉइंटेड रिस्पॉन्स, तो क्रिप्टो करेंसी पे जो 30% टैक्स लगाया, फ्लैट टैक्स, इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में एडिटर का ओपिनियन भी जानते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में समझा रही हूँ, और इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ आपको पूछे जाते हैं, ये पैसेजेस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। डिसजॉइंटेड रिस्पॉन्स, रेगुलेटरी चैरिटी सॉरी क्लैरिटी ऑन क्रिप्टो असेट्स शुड हैव अकम्पनीड द टैक्स ऑन ट्रेडर्स प्रॉफिट्स। सो रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है अभी तक
कि इसकी कौन रेगुलेटरी बॉडी रहेगा क्रिप्टो करेंसी वगैरह के लिए। जब तक ये रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है तब तक ये टैक्स लगाना ठीक बात नहीं था। रेगुलेटरी क्लैरिटी भी लाया होता ये बजट में तो अच्छा होता था, ऐसा एडिटर बोल रहा है कि रेगुलेटरी क्लैरिटी मतलब बैंक्स को कैसे रेगुलेट आरबीआई करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे हर जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करते हैं सेबी, तो वैसे ही इस चीज़ के लिए भी रेगुलेटरी क्लैरिटी होना चाहिए था ऑन क्रिप्टो असेट्स। उसको अकंपनी करना चाहिए था जो ट्रेडर्स पे प्रॉफिट ज़्यादा है, उसके साथ साथ रेगुलेटरी क्लैरिटी भी लाना ज़रूरी था। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग मूव्स इन यूनियन बजट टैक्सेशन प्रपोजल फॉर 2022-23 इज द इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन रिजीम फॉर वर्चुअल डिजिटल असेट्स। इंडिया में जो डील होते हैं वर्चुअल डिजिटल असेट्स, इसके ऊपर जो टैक्सेशन प्रपोजल्स डाले हैं फॉर 2022-23, ये सबसे बड़ा चेंज लाया गया है ये बजट में, ठीक है। इवॉल्विंग मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज कोड्स एंड नॉन फंजिबल टोकन्स, तो इतने क्रिप्टोकरेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स बनते जा रहे हैं कि गवर्नमेंट फिर उसको ध्यान कैसे रखेगी कि कैसे पैसे का आना जाना हो रहा है, तो इसके लिए इसके ऊपर टैक्स लगाया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ प्रपोज टू टैक्स ऑल प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रांजेक्शन इन सच असेट्स 30% अलॉन्ग विद एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस एंड 1% टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय बायर्स वेल ट्रेडिंग इन एनी वर्चुअल डिजिटल असेट बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड। तो इधर बात कर रहे हैं कि कैसे जो भी प्रॉफिट अर्न होगा क्रिप्टो करेंसी के लेने और बेचने से, उस प्रॉफिट पे 30% सीधा टैक्स लग जाएगा, सरचार्ज एंड सेस भी लगेगा, एंड 1% जितना डिडक्ट कर सकते हैं बायर्स वाइल ट्रेडिंग इन एनी वर्चुअल डिजिटल असेट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड, एक लिमिट के ऊपर का है तो 30% में से 29% आ जाएगा टैक्स, पर 1% तक का कम होगा। वाइल द टैक्स ऑन प्रॉफिट्स विल अप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, वैसे ये क्रिप्टो करेंसी पे 1 अप्रैल 2022 से ये टैक्स चालू होगा लगना, विच ऑफिशियल सेड विल नॉट प्रिक्लूड प्रॉफिट्स ऑलरेडी बुक्ड बिफोर द डेट फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी। द TDS प्रोविजन एम्ड एट क्रिएटिंग अ ट्रांजेक्शन ट्रेल फॉर टैक्स अथॉरिटीज विल किक इन फ्रॉम 1 जुलाई। सो नो डाउट अप्रैल 1 से ये क्रिप्टो करेंसी वाला 30% टैक्स लगेगा, बट ऑफिशियल्स ने बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने भी प्रॉफिट्स बुक किए हैं बिफोर अप्रैल वो बच जाएंगे टैक्स से, ऐसा नहीं है। चीज़ ऐसी है कि वो टैक्स लायबिलिटी TDS के वे में लगेगी कि प्रॉफिट देने के पहले ही वो आपको कट करके ही टैक्स पे करके ही प्रॉफिट देंगे, तो ये TDS मेथड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मेथड से ही आपको पेमेंट मिलेगा बिफोर अप्रैल के ट्रांजैक्शंस में, अप्रैल के बाद सीधा 30% टैक्स लगेगा। एंड वो ये जो TDS वाला प्रोविजन है जो 1 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्टेड है जो अप्रैल तक रहेगा। वेल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स विल बी टैक्स्ड एट अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो इंडस्ट्री प्लेयर्स अ हायर रेट कंपेयर टू अदर जुरिसडिक्शंस, नो डिडक्शंस विल बी अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ सेटिंग ऑफ लॉसेस फ्रॉम सच ट्रेडिंग ऑन फ्रॉम एनी अदर कैपिटल लॉसेस। सो ट्रेडिंग ये जो उसके इंडस्ट्री प्लेयर्स है ये लोग बोल रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज में दूसरे जुरिसडिक्शन में जो क्रिप्टो करेंसीज का लगता है टैक्स, इससे कहीं ज़्यादा इंडिया में लगाया गया है, बट और इंडिया में ये भी बोला गया है कि कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते कोई भी क्रिप्टो करेंसी के लॉसेस या कोई कैपिटल लॉसेस, कोई और शेयर या शेयर वगैरह में आपको अगर लॉस हुआ है तो उसको इसके प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। द ओनली डिडक्शन परमिटेड वुड बी द कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द सेट, सिर्फ कॉस्ट जो अक्वायरिंग अ सेट का कॉस्ट होगा उसकी रिगार्डिंग डिडक्शंस दिए हैं। द टर्म प्रॉपर्टी अंडर द IT एक्ट इज बीइंग एक्सपांडेड टू इंक्लूड वर्चुअल डिजिटल असेट्स सो दैट सच असेट्स रिसीव्ड एज अ गिफ्ट शैल बी टैक्सेबल एक्सेप्ट व्हेन रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स। तो ये प्रॉपर्टी जो बोला गया है अंडर IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, तो टर्म प्रॉपर्टी को इधर एक्सपांड किया है, टर्म प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर लिया गया है वर्चुअल डिजिटल असेट्स को भी,
ओके, सो दैट ये असेट्स जब भी एज अ गिफ्ट रिसीव किया जाए तो भी टैक्सेबल हो, एज अ गिफ्ट शैल बी टैक्सेबल एक्सेप्ट व्हेन रिसीव फ्रॉम रिलेटिव. तो सिर्फ रिलेटिव से तुम अपने ब्लड रिलेशन वाले लोगों से ये गिफ्ट रिसीव करते हैं तो ही नॉन टैक्सेबल होगा, बाकी किसी भी कोई भी आपको ये देगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. हाउएवर द टैक्सेशन रिजीम बाय इटसेल्फ मिस सीतारामन हैज एम्फसाइज्ड डज नॉट ग्रांट लेजिटिमेसी टू द ट्रेड इन दीज करंटली अनरेगुलेटेड असेट्स. तो इसके ऊपर टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि इसको हम लोग लीगल या लेजिटिमेट कंसिडर कर रहे हैं. क्रिप्टो करेंसी अभी भी उसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है इंडिया में, इसलिए उसकी लेजिटिमेसी ये अनरेगुलेटेड असेट्स की है, टैक्स लगाया मतलब ऐसा नहीं है. कंसल्टेशन प्रोसेस इज अंडर वे विच विल डिटरमाइन द लीगल पोजीशन ऑफ सच असेट्स. तो लीगल पोजीशन ऑफ असेट्स भी लाया जाएगा सून, इसके रिगार्डिंग कंसल्टेशन प्रोसेस चालू है, ठीक है. दिस प्रोवाइड सम रिलीफ फॉर ग्रोइंग फ्लॉक ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स. सो काफ़ी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए थोड़ी रिलीफ है ये कि गवर्नमेंट स्टिल नॉट कंसिडर दैम फुली लेजिट. ये द टैक्स रिजीम इंडिकेट्स द हार्ड ऑप्शन ऑफ एन आउटराइट बैन दैट वॉज सिग्नल्ड इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ अ प्रपोज क्रिप्टो लॉ लास्ट ईयर इज ऑफ द टेबल. तो ये टैक्स ला लिया मतलब देखिए ऐसा नहीं बोल रहे कि वही लेजिट है, लेजिटमेट है, ऐसा अभी भी अप्रूव नहीं कर रहे, बट बिल्कुल ही इलीगल है ऐसा भी अभी गवर्नमेंट नहीं बोल पाएगी क्योंकि खुद गवर्नमेंट ने ही टैक्स लगा दिया इसके ऊपर. तो ये जो चांसेस थे लास्ट ईयर जो क्रिप्टो लॉ ला रहे थे प्रपोज किए गए थे उसमें ऐसे सिग्नल्स थे कि बिल्कुल इसे बैन ही कर दिया गया जाएगा क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में, वैसा कुछ नहीं होगा ऐसा लग रहा है बिकॉज ये टैक्स लगाया है, ठीक है. Listed first for Parliament's monsoon session, then again in the winter, legislation is also now off the agenda. तो पहले मानसून सेशन में आया फिर विंटर सेशन में, बट फिर भी पास नहीं हुआ ये लॉ और अभी ये साल के ये बजट सेशन के भी एजेंडा में नहीं है वो. All this time, India's youth, who the Prime Minister worried were being lured by crypto lay players, misleading ads, continued to be swayed, with no norms brought in place to rein in such ballyhoo and no regulatory watch. तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जैसे बोला था कि हम वरिड हैं कि इंडिया के यंगस्टर्स जिस तरीके से बहुत अट्रैक्ट हो रहे क्रिप्टो करेंसी के तरफ, बट इसकी कोई इंडिया में लॉ भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनका बहुत नुकसान हो सकता है अगर ये सब में ट्रेड करे तो, राइट. वेदर दिस केस इज़ डिफरेंट फ्रॉम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड प्लांटेशन स्कीम्स दैट वर बिलेटेडली रेगुलेटेड इज पॉन्डरेबल. द डीले इन अराइविंग एट अ डिसीजन ऑल्सो प्रीएम्प्ट्स इंडिया स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स फ्रॉम डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड आइडियाज दैट कैन बी स्केल्ड अप ग्लोबली गिवन द नेचर ऑफ दीज असेट्स. सो अभी तक गवर्नमेंट भी हमारी श्योर नहीं है इसीलिए ये लॉ जल्दी से आ नहीं रहा है. तो क्या ये कलेक्शन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड प्लांटेशन स्कीम से अलग है? ये जो डीले हो रहा है इन अराइविंग एट डिसीजन, इससे उल्टे हमारे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं और इनोवेटर्स हैं वो लोग भी ये ऐसे टाइप की कोई असेट्स क्रिएट करने के लिए बेताब है और मतलब डेवलप करना चाहते हैं इसकी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉ नहीं आ रहे बैन करने वाले. तो पीपल आर गेटिंग आइडिया कि क्यों ना हम भी क्रिप्टो करेंसी बनाएं. In November, the government had indicated a forward-looking approach to crypto market oversight. November में government ने positive signals भी दिखाए थे crypto market के oversight के regarding. It's time those words are matched with a clear regulatory framework soon instead of ambiguous waffling and dithering. तो ये time है editor का बोलना है कि अभी इसके ऊपर regulatory body कोई decide किया जाए और कोई regulation लाए जाए. सिर्फ इसकी एम्बिगस बातें करके ये ठीक नहीं है वगैरह करके फ़ायदा नहीं है, इसके लिए इसके रिगार्डिंग अच्छे से रेगुलेशन आ जाए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये हुआ हमारा आज के दिन का इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल. आई होप आप लोग को पूरा समझ में आया है. समझ में आया है तो बता देना, लाइक बटन हिट कर देना, कमेंट करके बताना गाइज कैसा लगा है आपको एक्सप्लेनेशन, और कुछ ना समझाओ तो भी डाउट्स पूछ सकते हो. शालीन ये जो सेरेमनी को स्टार्ट करने के लिए जो आदमी मेन इम्पोर्टेंट गेस्ट होता है वो, नो प्रॉब्लम अमर.
चलिए जल्दी से सब लोग लाइक बटन हिट कर लीजिए अगर अच्छा लग रहा है सेशन. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज, नेक्स्ट आई एम पुटिंग अ स्टार मार्क ऑन दिस, दिस इज अ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज. देवास शेयर होल्डर्स मूव अनदर आर्बिट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट हैड अपहेल्ड एनसीएलएटी ऑर्डर. सो नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था वाइंडिंग अप द देवास मल्टीमीडिया कंपनी लिमिटेड. तो देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड कंपनी लिमिटेड को वाइंड अप किया गया आफ्टर इन द एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है. बट देन देवास के शेयर होल्डर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था एनसीएलएटी के ऑर्डर पे. सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीएलएटी का ऑर्डर अपहेल्ड किया, मतलब कंटिन्यू किया कि इनका ऑर्डर बराबर है करके. तो सुप्रीम कोर्ट ने जब भी अपहेल्ड कर दिया है एनसीएलएटी का ऑर्डर, उसके बावजूद देवास मल्टीमीडिया के शेयर होल्डर्स जो हैं वो एक और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चला रहे हैं. आर्बिट्रेशन मतलब आउट ऑफ कोर्ट एक दोनों पार्टीज मिलकर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके वो जो बोलेगा वो डिसीजन देगा वो फुल एंड फाइनल होगा, ऐसा डिसाइड करते हैं. देवास शेयर होल्डर्स आर्बिट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसके ऊपर. तो दिस इज़ वन थिंग वेरी मतलब, और आगे अपील में वो लोग जा रहे हैं, ये ध्यान में रखने वाला न्यूज़ है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज लाइक पॉलिटिकल न्यूज से भरा हुआ है हमारा आज का न्यूज़पेपर, बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ये सब बातें चल रही है. ओके, इंडियाज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ओवरवर्क्ड अंडरस्टाफ्ड. सो इंडिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो है, जो हमारे प्लेन इंडिया के या इंडिया में आ रहे हैं कोई, वो प्लेन्स को डायरेक्शंस देना और कैसे सब कुछ वो ट्रैफिक कंट्रोल रखना, तो सो दैट कोई क्लैश ना हो जाए, कोई क्रैश एयरक्राफ्ट क्रैश ना हो जाए. तो ये लोग बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं क्योंकि अंडरस्टाफ्ड है. जस्ट लाइक डॉक्टर्स, इनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि ये लोग अंडरस्टाफ्ड है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो रहा है. हाउस पैनल कॉल फॉर अर्जेंट स्टेप्स टू फिल वैकेंसीज. हाउस पैनल ने बोला है कि इसमें अर्जेंट स्टेप्स लेने होंगे टू फिल वैकेंसीज, तो ये ध्यान में रखना. मैं स्टार मार्क कर रही हूँ. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज दिस विच इज़ लाइक वेरी बैड. ये कहीं ना कहीं हमें पता है व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत सारे आ रहे थे. आई डोंट नो वेदर दे वर राइट और रॉन्ग, बट अभी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो राइट थे, क्योंकि ये सब मैसेजेस ऐसे बोलते थे जब भी कोविड आया कि ये तो पूरा चाइना ने जानबूझ के क्रिएट किया है और WHO भी पूरा मिला हुआ है इसमें, इसको पैंडमिक बड़ा बना के इन सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमी ख़त्म करके चाइना पावरफुल बन जाए, ऐसा सब ये है. तो ऐसे सब व्हाट्सएप मैसेजेस घूम रहे थे, वी वर नॉट बिलीविंग इट देन. बट अभी पता नहीं WHO का जो इंडिया का मैप है ये देख के ऐसा लग रहा है क्या ये चाइना के साथ है क्या, या चाइना और पाकिस्तान को ही फेवर करने वाला है, क्योंकि WHO की वेबसाइट पे इंडिया का मैप जो है इट शोज़ विदाउट जम्मू एंड कश्मीर, कि इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, वैसा मैप है. और अरुणाचल प्रदेश भी सेपरेटली मार्क किया गया है जिसको भी इंडिया में नहीं कंसिडर किया गया है. तो दिस इज़ लाइक बिग थिंग. ओके, इट्स शोइंग लॉट ऑफ थिंग. तृणमूल कांग्रेस MP शांतनु सेन ने थर्सडे को राज्यसभा में दिखाया कि WHO का जो COVID-19 का वेबसाइट है इसमें इंडिया का मैप क्या दिख रहा है देखो. आप खुद भी जाके देख सकते हो. एंड हाउ कैन दे रिमूव एंटायर 2 states फ्रॉम अस, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर है ही नहीं इंडिया के पार्ट में. बाप रे, सो दिस इज बिग थिंग गाइस, इंपॉर्टेंट वन, राइट डाउन दिस. जितना अंडरलाइन और हाईलाइटेड है लिखना आपको अपने नोट्स में, ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली टू पोस्टपोन गेट 2020-22 एग्जाम. गेट मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने मेक प्लीडिंग फाइल करी गई थी कि गेट एग्ज़ाम को, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग वाली एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर किया जाए, इसको अभी नया रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसमिस कर दी है प्लीडिंग, इसको अप्रूव नहीं किया है. सो बेसिकली गेट इज़ हैपनिंग नाउ इन द सेम टाइम व्हेन इट वाज शेड्यूल्ड टू हैपन.
interference could cause chaos for students, says bench. Bench ने बोला कि इस तरीके से हम changes करेंगे तो इससे chaos हो जाएगा students में, तो ये नहीं करेंगे. तो ये स्टार मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ध्यान में रखना है. वन मोर इम्पॉर्टेंट मूव ऑफ इसरो विच वी नीड टू राइट डाउन इज मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अनाउंस किया है कि हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाली है अगस्त मंथ में. चंद्रयान 2 जो एक इम्पॉर्टेंट मिशन था, ये हुआ था लॉन्च 2019 में और उसी का फॉलोअप ये रहेगा मिशन चंद्रयान 3 एंड इट्स गोइंग टू लॉन्च इन अगस्त. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट. वर्ल्ड न्यूज़ में एक बड़ा ही ज़्यादा अच्छा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो ये आपको लिखना है. IS इस्लामिक स्टेट के जो चीफ है, US ने सीरिया में रेड किया था इनके घर के पास, घर में ही रेड किया था लिटरली. तो तभी ये IS चीफ ने खुद ने बॉम्ब जलाया और बॉम्ब फोड़ा और खुद को ही ब्लो अप कर दिया और मर गया वो आदमी, और उसके साथ 13 और लोग मर गए. तो IS चीफ ब्लोज हिमसेल्फ अप अमिड US रेड. US ने जब भी सीरिया में रेड किया था, IS ने के चीफ ने, IS एक बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ मर गया है, इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट. वो अपने आप को जला दे रहा है, मार दे रहा है बॉम्ब ब्लास्ट करके. कुरैशी एक्सप्लोडेड अ बॉम्ब एज US फोर्सेज अप्रोच्ड हिज सेफ हाउस इन इदलिब. तो इदलिब में उनके सेफ हाउस में पहुंच गए US के फोर्सेस, तभी उन्होंने खुद को बॉम्ब फोड़ के उड़ा दिया. 13 पीपल वर ऑल्सो किल्ड विद हिम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, यू मस्ट राइट दिस डाउन. ओके गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज रशिया डिप्लॉयज मोर ट्रूप्स इन बेलारूस. सो रशिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, पता नहीं कब वो सुधरेगा. तो यूक्रेन की बॉर्डर जो पड़ती है, राइट, यूक्रेन का नॉर्दर्न नेबर होता है, एक साइड यूक्रेन को रशिया आता है उसकी ईस्ट साइड में या ईस्ट साइड में, और यूक्रेन तो उस साइड से तो रशिया बहुत आगे अपने ट्रूप्स को भेज ही चुका है. अभी यूक्रेन को और दबाने के लिए यूक्रेन के ऊपर जो आता है बेलारूस, ओके, नॉर्दर्न नेबर होता है, नॉर्दर्न नेबर ऑफ यूक्रेन, वहाँ भी उन्होंने बहुत सारे अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है रशिया ने. दिस इज शोइंग रशिया इज नॉट समवन हु इज वेरी यू नो पैसिव इन टेकिंग मूव्स, इट्स डेफिनेटली टेकिंग मैनी मैनी एक्टिव मूव्स. ऐसे इतने दुश्मन नहीं बना के बैठा है. सो नाटो के 30,000 कॉम्बैट ट्रूप्स आर इन यूक्रेन नॉर्दर्न नेबर फॉर जॉइंट ड्रिल. नाटो सेज, सॉरी, कि नाटो ने बताया कि रशिया ने अपने डिप्लॉयमेंट किए हैं 30,000 जैसे जितने ट्रूप्स बेलारूस में, उसमें बेलारूस और रशिया की जॉइंट ड्रिल होगी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी. ये क्यों होगी? तो ऑफकोर्स फ्यूचर में कभी वॉर होता है तो रशिया को हेल्प करने के लिए. तो रशिया ने अपने यूक्रेन के नॉर्दर्न नेबर को भी कहीं ना कहीं अपने साथ कर लिया है. दिस इज़ वेरी बिग मूव फ्रॉम रशिया एंड इट्स गोइंग टू बी क्रिटिसाइज्ड अ लॉट. ये भी लिखना है, न्यूज़ ध्यान में रखना है. एंड या मैंने जैसे आपको बताया, दो ही लोग आने वाले, पुतिन और इमरान खान, ये लोग ओलंपिक्स ओपनिंग में होंगे. तो या वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टुडे. आई होप गाइज दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन. आई विल क्विकली सी योर कमेंट्स. जब भी इम्पॉर्टेंट है वाग भी मैं करवा दूंगी, नॉट ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट. ये चारू शर्मा, जो मैं स्टार मार्क करती हूँ वो न्यूज़ की नोट्स बनानी है. स्टार मार्क वाले न्यूज़ में जितना हाइलाइटेड और अंडरलाइन पार्ट है उसकी नोट्स बनानी है, ठीक है? ऑलराइट गाइस, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू एवरीवन. थैंक यू सो मच, बाय बाय. आज इवनिंग में दो दो क्लास होगी, 8 to 9:30. जो मेरी थर्सडेज को प्लस क्लास होती है वो आज होने वाली है 8 to 9:30. एक ही दिन के लिए वो शेड्यूल रीशेड्यूल की गई थी. एंड 9:30 to 10:30 आज मैं स्पेशल क्लास भी लूँगी, ठीक है?
ऑलराइट, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच.